हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। इसमें हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की छोटी मोटी जो न्यूज होती है, जो कैंपस न्यूज होती है, वो हम आपको बताएंगे डेली बेसिस पे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँ। बाकी अब से डेली आपको इसमें जॉब की न्यूज भी मिलेगी और जॉब अपडेट भी मिलेगी और कैंपस के जो भी छोटी मोटी न्यूज है वो भी आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेशन, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को ताकि और सेशन भी इससे अच्छे अच्छे आते रहे, क्योंकि आपको भी जानना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए, पहले ही जो न्यूज है कि यूजी के 9 और पीजी कोर्सेज में दाखिले जल्द शुरू होंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी और पीजी कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया जुलाई से दूसरे तीसरे सप्ताह तक शुरू कर सकते हैं। बाकी यूजी पाठ्यक्रम के लिए आपको मेरिट बेस्ड यानी एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस आधारित कोर्स के पंजीकरण प्रक्रिया के लिए DU ने तैयारी शुरू कर दी है। रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUSET 54 विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर मंत्रालय के दिशा निर्देशों को इंतजार किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप जो भी आपके एडमिशन होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेस पे, वो एंट्रेंस बेस ही होने वाले हैं। ठीक है, DU में जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह से शुरू करने की तैयारी की जा रही है आपके जो भी एडमिशन है। ये तो रेगुलर वालों के लिए, रेगुलर जो लेना चाहते हो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब इसी महीने आपके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो फटाफट आते हैं अब दूसरी न्यूज़ जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, वो क्या है देख लेते हैं। तो दूसरी न्यूज़ है BArch डिग्री की 5 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अगर कोई भी आर्किटेक्चर की अगर पढ़ाई करता है, पहले उसको 5 साल का टाइम दिया, मतलब 5 साल उसको लगते थे क्लियर करने में, और अब इन्होंने क्या करा है कि अगर आप 3 साल भी आर्किटेक्चर को देते हैं, आर्किटेक्चर की डिग्री को, तो अब आपकी 3 साल के अंदर भी आपको नॉर्मल डिग्री जैसे BA वालों को मिलती है वो आपको दे दी जाएगी। पर अगर आपको 5 साल वाली यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक की डिग्री चाहिए तो उसके लिए अब आपको 8 साल का टाइम दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है उन स्टूडेंट के लिए जो आर्किटेक्चर यानी BArch कर रहे हैं अभी या करने वाले हैं बड़े बड़े कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से। तो अब गवर्नमेंट ने इसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, अब आपको 5 साल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो 3 साल की भी डिग्री लेके अब अपनी पढ़ाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो या कहीं भी इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो। ये बेसिकली हुआ क्यों? ये 2020 की शिक्षा नीति के तहत इसको अपनाया गया। जैसे 2020 की शिक्षा नीति में MPhil को ख़त्म कर दिया गया PhD से पहले, अब डायरेक्ट आप MA के बाद PhD कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। तो उसके लिए मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊँगा। अब सबसे मेन न्यूज़, DU के नॉर्थ और साउथ कैंपस जैसी सुविधा अन्य केंद्रों पर भी मिलेगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आपका जो SOL है, जो आपका नॉर्थ कैंपस है, जो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, अब उसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब बेसिकली ये कर क्या रहे हैं कि अब नॉर्थ कैंपस आपके 3 से 4 जगह सुविधा केंद्र के रूप में आपको मिलेगा। पहला तो आपका नजफ़गढ़ में आपको मिलेगा, दूसरा साहिबाबाद डेयरी पे, और तीसरा आपका सूरजमल बिहार में आपको मिलेगा। तो 3 केंद्र ये खोलने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि अभी जहां स्टूडेंट आके SOL के बाद लाइन लगाता था, सारे स्टूडेंट आके लाइन लगाते थे SOL के बाद, अब वो अपने अपने डिवीज़न के हिसाब से अपने अपने सहायता केंद्र पर जाकर लाइन लगाएंगे। तो लाइन तो उन्हें लगानी है कहीं ना कहीं, बस ये इसीलिए उन्होंने किया है कि अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी आपके काम हैं वो आपको अपने नज़दीकी केंद्र पर ही मिल जाएंगे। पर इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर दिया है, और SOL को भी जल्द से जल्द सूरजमल बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि SOL के बच्चे काफ़ी ज़्यादा है कहीं ना कहीं नॉर्थ कैंपस में। तो देखने वाली बात होगी कि जब ये बनाया जाएगा सहायता केंद्र तो किस तरीके से काम करेगा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी स्टूडेंट की, तो देखने वाली बात उसी टाइम होगी। बाकी यही न्यूज़ थी, जो 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके लिए थी, जो कहना कि स्टडी से रिलेटेड थी। और बाकी अब ऐसी छोटी मोटी अपडेट कोई भी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो आज के लिए सीधा ये सेशन अब मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।